नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली और मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से इछावर जनपद सभा कक्ष में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गांवों से 49 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया, जिसमें से SIS इंडिया लिमिटेड नीमच के वरिष्ठ भर्ती अधिकारी सुरेंद्र कुमार के मापदंड के अनुसार 20 युवाओं का चयन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग किया गया। COVID-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इन चयनित युवाओं को नीमच में औद्योगिक क्षेत्रों में 10,000 से 13,000 तक की एक माह के प्रशिक्षण उपरांत 65 वर्ष तक की स्थायी नौकरी दी जाएगी। यह कैंप जनपद पंचायत CEO आयुषी गोयल और आजीविका मिशन के विकास खंड प्रबंधक धर्मेंद्र उपाध्याय और ब्लॉक सदस्य आनंद गोरे के सहयोग और उपस्थित में आयोजित किया गया। इछावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। अपने मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के सहयोग से ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गांवों से लगभग 49 बेरोजगार अभ्यर्थी आए हैं, पंजीयन करवाया है, जिसमें से शारीरिक फिजिकल मापदंड के अनुसार 20 लड़कों का चयन किया गया है। इन चयनित लड़कों को नीमच में एक माह परिश्रम उपरांत अपने मध्य प्रदेश में जहां पर औद्योगिक क्षेत्र आते हैं उनमें 65,000 रुपये स्थायी नौकरी दिया जाएगा, 10 से 13,000 उनका तनख्वाह रहेगा, 65,000 का उनका स्थायी नौकरी रहेगा। अगर कोई बेरोजगार अभ्यर्थी है जो अगर यहाँ छूट जाता है, नहीं आ पाया है, तो कल आष्टा जनपद पंचायत में भर्ती है, वहाँ जाके भी अपना सिलेक्शन करवा सकता है, भाग ले सकता है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।